नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि होली के दो दिन बाद एक वीडियो सामने आ रहा है और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जहां पर एक विदेशी युवती के साथ कुछ युवक होली खेलते नजर आ रहे हैं, जहां पर बिना राजामंदी के बदसलूकी की जा रही है। प्राण युवती काफ़ी परेशान दिख रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि वीडियो दिल्ली के पहाड़गंज का बताया गया है, हालांकि इसकी लोकेशन अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाई है। इस मामले में पुलिस ने भी जापानी एम्बेसी को एक लेटर लिखा, जिसमें युवकों पर एक्शन लेने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस इसकी जांच कर रही है, मामले की जांच की जा रही है। उधर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच करना शुरू कर दिया है। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।